हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.2 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1-2 देखा, अब इसमें हम 3 देखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया है। करा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। करा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे दिया है हमारा जो घड़ी है उसकी सुई, मान लीजिए ये हमारी घड़ी हो गई। अगर हम बात करें यहाँ तो ये हमारी घड़ी है। अब इस घड़ी में बता रहा है कि इसकी जो सुई है ये पूरी हमारी घड़ी हो गई। यहाँ पर इसका डायल यानी केंद्र होगा। अब यहाँ से ऊपर 12 होगा, नीचे 6 बनेगा, फिर आगे आएंगे तो यहाँ 3 बनेगा और यहाँ 9 हो जाएगा। अब बीच में हमारा 4-5 हो जाएगा, 1-2 बनेगा, इधर आएंगे 7-8 होगा और 10-11 बन जाएगा। अब ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी सुई है, तो मान लीजिए हमारी सुई एक आपकी ये हो गई, ये इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचेगा। तो अब हमें जानना है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। पूरा कोण 12 घंटे में 360 बनता है, तो 1 मिनट में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें कोण बनेगा 12 घंटा, ये बराबर हो जाएगा 360 अंश का कोण। तो सारी ये मिनट वाली सुई है इसलिए 1 घंटा या 60 मिनट, तो ये हमारा बन जाएगा 60 मिनट, ये बराबर हमारा हो जाएगा 360 अंश का कोण। 1 मिनट में निकालेंगे तो 360/60 हो जाएगा। और हमें 5 मिनट लेना है तो 5 मिनट में 360/60 × 5 00 से 36/36 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ हमें क्या मिला, थीटा बराबर 30 अंश मिल गया। दूसरा नंबर त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर बन गई। अब हमें निकालना है एरिया, देखना है कि मिनट की सुई द्वारा इसकी, तो जो बनेगा ये त्रिज्य खंड होगा और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 πr². तो थीटा का मान 30 मिल गया, 360 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 14 का² बन जाएगा। 00 से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी मिल गया ऊपर 22, नीचे 12 और 7। ऊपर हमारा भी मिला है स्क्वायर है तो 14 × 14 हो जाएगा, तो 7 × 2 = 14 बनेगा। 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12 बन जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 होगा। अब गुणा करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 15 और बटे 3, तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 बच गया, 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 3 × 3 = 9, इस तरह से 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर बन जाएगा।